क्लास अपनी अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे मेरे हमसाए। मेरे हमसाए किसके हमसाए? पाकिस्तान के। ठीक है, हमसाए को अंडरलाइन कर दें यहाँ पे। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं एशिया में वाकिया हूँ। पाकिस्तान को अंडरलाइन कर दें और एशिया को भी। जो सबसे बड़ा बड़े आज़म है, बड़े आज़म किसे कहते हैं? खुश्की का जो बड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े को, बड़े टुकड़े को बड़े आज़म कहते हैं। दुनिया में कुल 7 बड़े आज़म हैं। एक बड़े आज़म में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। ठीक है, मेरे हमसाया ममालिक भारत, चीन, अफगानिस्तान और ईरान हैं। हमसाया पड़ोसी हैं। इन मुल्कों के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। कौन बता रहा है ये सब? पाकिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान की मशरकी सरहद, जो ये लफ्ज़ जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके इमला के वर्ड्स हैं। ठीक है, मशरकी सरहद भारत से मिलती है। भारत की आबादी तकरीबन 100 अरब है। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं। वहाँ कई जुबानें बोली जाती हैं, मसलन हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी और मलयालम वगैरह। भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत, मतलब जो ये सारे मजाहिब भी वहाँ पे रहते हैं, उनके साथ इस मजाहिब के लोग भी, मानने वाले भी रहते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है जिसे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। भारत का दारुल हुकूमत क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने वालदैन के कामकाज में उनकी मदद करते हैं। मसलन देहात में रहने वाले बच्चे ज़राअत यानी खेती बाड़ी में अपने घर वालों का हाथ बढ़ाते हैं। चीन, पाकिस्तान के शमाल में चीन वाकिया है। चीन में एक ही कौम आबाद है, इसकी ज़ुबान चीनी है। चीन में मुसलमान अकलियत, मतलब तादाद में जो कम लोग होते हैं, में है, यानी उनकी आबादी कम है। चीन की आबादी 100 अरब से भी ज़्यादा है। चीन रकबे के लिहाज से जो एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पहाड़ भी हैं और दरिया भी। यांगजी क्यांग वहाँ का अहम दरिया है। चीन की ज़्यादातर आबादी खेती बाड़ी करती थी। अब बहुत तेज़ी से फैक्ट्रियाँ और मिलें बनती जा रही हैं। दुनिया भर में बहुत यहाँ बनने वाली सुई से लेकर बड़े जहाज तक खरीदे जा रहे हैं। इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीनी बच्चे अपने वालदैन की तरह मेहनती और सेहतमंद होते हैं। पढ़ाई और कामकाज के बाद खेल कूद कर दिल बहलाते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मगरिब में अफगानिस्तान वाकिया है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ का आम पेशा ज़रात, तिजारत और कानकुनी है। अफगानिस्तान में ज़्यादातर पश्तो, दर्री और फारसी ज़बानें बोली जाती हैं। आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की है। दारुल हुकूमत काबुल है। अफगान बच्चे बहुत खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं। वो बहुत मेहनती और बहादुर हैं। ईरान, पाकिस्तान की मगरबी सरहद ईरान से मिलती है। ये हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मतलब भाई, जो ब्रादर मतलब भाई। यहाँ ज़्यादातर फारसी और पश्तो बोली जाती है। ईरान कदीम तरीन तहजीब रखने वाला मुल्क है। कदीम तरीन बहुत पुरानी तहजीब रहन सहन। पहले इसका नाम फारस था, लेकिन ये मुल्क ज़रख़ेज़ ज़मीनों और पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। ज़रख़ेज़ ज़मीनें मतलब पौधे उगाने के लिए जो अच्छी जगह होती है, मौसूम जगह होती है। यहाँ भी आम पेशा खेती बाड़ी, तजारत और कानकुनी है। पेट्रोलियम यहाँ की अहम पैदावार है। ईरानी बाशिंदों की अक्सरियत मुसलमान है। दारुल हुकूमत तेहरान है। ठीक है, ईरानी बच्चे नहायत खूबसूरत और चाको चौबंद होते हैं। आ जाते हैं इसके अल्फाजवानी की तरफ। बड़े आज़म, ज़मीन पर खुशी का बड़ा टुकड़ा। ज़रख़ेज़, पौधे उगाने के लिए मौजूद ज़मीन। कदीम तरीन, बहुत ज़्यादा पुराना। हमसाया, पड़ोसी। अकलियत, तादाद में कम होना। तहजीब, रहन सहन और तौर तरीके। अभी अल्फाज मायने और जो मैंने इमला भी आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, ये सब आपने अपने नोटबुक में भी नीटली नोट डाउन करने हैं। और वो कैसे करेंगे इसे मैं आपको बता देती हूँ। आ जाते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे। जमात का काम, डेट, डे, उनवान क्या है मेरे हमसाए और इमला के लिए, ऐसे आपने रेडी करनी है। और इसी तरह अल्फाज मायने के लिए भी आप रेडी करेंगे। जैसे यहाँ मैंने अल्फाज मायने के लिए भी ऐसे ही रेडी किया है, ऊपर से सेम एज इट इज़ और एक तरफ अल्फाज एक तरफ मानी। तो अल्फाज के नीचे अल्फाज और मानी के नीचे आप मानी लिखेंगे। ठीक है, जाते हैं मारूती सवालात की तरफ। दुरुस्त जवाब के दायरों को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। पाकिस्तान बड़े आज़म डैश का हिस्सा है। किसका? यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का या अमेरिका का? एशिया से। ठीक है, तो एशिया को हम भर देते हैं इसके बबल को। ठीक है, अब है पाकिस्तान की मशरकी सरहद डैश से मिलती है। किससे मिलती है? ईरान, अफगानिस्तान, चीन या भारत?
भारत से भी, वेरी गुड, इसको भी हम कलर कर देते हैं ऐसे। उसके बाद है डैश में हिंदुओं की अक्सरियत है कहाँ, पाकिस्तान में, भारत में, ईरान में, अफगानिस्तान में, भारत में। चीन का दौल हुकूमत डैश है काबुल, कराची, बीजिंग या नई दिल्ली, बीजिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेरे हमसाए के सवालात की तरफ, तो सवालात के जवाब आप दें। बर आज़म किसे कहते हैं, खुशकी के बड़े टुकड़े को बर आज़म कहते हैं। भारत के दौल हुकूमत का नाम लिखिए, भारत का दौल हुकूमत नई दिल्ली है। चीनी बच्चों की खास बात क्या है, चीनी बच्चे मेहनती और सेहतमंद होते हैं, पढ़ाई और कामकाज के बाद खेल कर दिल बहलाते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के दौल हुकूमत का नाम क्या है, अफगानिस्तान का दौल हुकूमत काबुल है। यह मजमून किसकी जुबानी लिखा गया है, यह मजमून पाकिस्तान की जुबानी लिखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो सुना रहा है ये सब कुछ। पाकिस्तानी बच्चे कैसे होते हैं, दो खूबियां लिखें, पाकिस्तानी बच्चे बहुत मेहनती होते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं, मतलब मिलने वाले खुशी खिलाक होते हैं। अब आ जाते हैं पांच जुमले, मेहनती, पाकिस्तानी बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, सेहत, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खेल, आमना गुड़िया के साथ खेल रही है, खूबसूरत, यह फूल खूबसूरत है, जरखेज़, हमारे वतन की मिट्टी जरखेज़ है। अभी सारा काम अपनी नोटबुक्स में आप एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।